यदि इतनी ही जनता की पुकार है, तो आप बताएं आपने अभी तक प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं करें? चुनाव घोषित हो गया है रायबरेली अमेठी से, और यदि आप इतने आश्वस्त हैं अपनी जीत के और जनता की बड़ी भारी पुकार है वहाँ की, तो आपको हर बार गठबंधन करने की वहाँ क्या ज़रूरत पड़ती है? क्यों आप बिना समाजवादी पार्टी के, गठबंधन के बिना, या समाजवादी पार्टी और पिछली बार बसपा के भी समर्थन के बिना आप क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव? अगर दम है, और ये स्मृति ईरानी जी ने भी कहा था कि दम है तो आप अकेले लड़ के दिखाइए, आपको एक बैसाखी की ज़रूरत क्यों पड़ती है सपा के रूप में या अन्य दलों के रूप में, जिन सबका आपको समर्थन चाहिए होता है, इससे पहले कि आप रायबरेली से अपना नामांकन करें, क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि समाजवादी पार्टी का न्याय यात्रा को लेकर के काफ़ी उन्होंने कसीदे पढ़े, उनकी इस यात्रा के संबंध में उनकी काफ़ी सराहना करी, लेकिन वो खुद उस यात्रा में नहीं पहुँचे। ये जो इंडिया गठबंधन है जिनकी ये बात करते हैं, इनका टूटा फूटा गठबंधन है, सत्यता इसकी यही है कि पत्र लिखने से अगर वो चाहते, अगर वाकई इस गठबंधन में दम होता, उनको स्वयं वहाँ जाना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था, अन्य दली नेता भी वहाँ मौजूद थे। तो उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन का यही हाल है, और क्लियरली जनता ये सारी चीज़ें समझ चुकी है, और इसीलिए पिछली बार भी तमाम गठबंधनों के बावजूद बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बार क्योंकि पिछले 5 साल में जो सारे काम हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार के हों, चाहे वो सूबे की सरकार के हों, चाहे वो, और मैं तो कहूँगी हमारे डबल इंजन के जो सरकार के सारे काम हुए हैं, जनता उनसे बहुत खुश है, जनता ने काम देखा है, काम की सराहना करी है, और इस बार तो जितनी सीटें पिछली बार पाए थे उससे भी ज़्यादा सीटें पाएंगे, और निश्चित रूप से रायबरेली और अमेठी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से भारत जो कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, सवाल यह है कि वो शक्ति क्या है? जो राजा है उसकी जान ईवीएम में है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, देश की संस्था ईडी सीबीआई आयकर विभाग इस तरह की चीज़ों में है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने पार्टी को छोड़ दिया, इसके साथ ही उन्होंने मेरी माँ से रोते हुए ये बात कही कि सोनिया जी मुझे शर्म आती है कि मैं शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो शक्ति शब्द है ये महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है हिंदू धर्म के। 100%। और ये जो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिन सूबों में ये जीत के जाते हैं, जिन प्रदेशों में ये जीत के गए हैं, और हिमाचल जीता है, कर्नाटक और अन्य तमाम जो भी इनके प्रदेश हैं जहाँ भी इन्होंने जीत दर्ज करी है, वहाँ ये ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? वहाँ कोई पेपर बैलेट वोटिंग तो हुई नहीं है, तो वहाँ ये ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ईवीएम वाला रोना कब तक रोएंगे। इट इज़ सो हिपोक्रिटिकल। ये तो बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेसी की बात है कि आप उन प्रदेशों में सवाल नहीं उठाते हैं या उन सीटों पे सवाल नहीं उठाते हैं जहाँ आपके प्रत्याशी जीत दर्ज करके आते हैं। तो मेरे ख्याल से और कुछ करें या ना करें, इनको कम से कम अपनी स्ट्रैटेजी तो ज़रूर बदलनी चाहिए। इस चीज़ पे अब कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है जो ये बार बार इसी चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं। यदि ऐसी बात थी तो क्यों अन्य जो, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कैसे वो सरकार बना ले जाती हैं अन्य प्रदेशों में? भारतीय जनता पार्टी तो इस पे कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।